दोस्तों फाइनेंस के मोबाइल फोन के स्क्रीन पर तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। दोस्तों वीडियो के ऊपर आपने जो भी चीज टाइटल थंबनेल देखा होगा, भैया एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर लोगों के मन में ये सवाल चलता है भाई कि हम इस एप्लीकेशन के अंदर में मुझे लिमिट मिल चुका है, हमें बैंक में ट्रांसफर करना है। काफ़ी सारे लोगों की क्वायरी आ रही है भर भर के, लेकिन कोई भी जितने सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कोई पर्टिकुलर सही जानकारी नहीं दे रहे, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। तो आज मैं दोस्तों अपने ऑडियंस को यहाँ पर क्लियर बात बताने वाला हूँ कि एप्लीकेशन के अंदर में भैया लिमिट ट्रांसफर होगा या फिर नहीं होगा। यदि आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो आपको जरूर पता होगा इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी लिमिट मिलता है, यानी सिंपल पे एप्लीकेशन के अंदर जो भी लिमिट मिलता है, मैंने लिमिट को ट्रांसफ़र करके वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ दिखाया था कुछ साल पहले। अब एप्लीकेशन के अंदर में काफ़ी सारे बदलाव कर दिया गया है, चेंजेस कर दिया गया है, तो वो सारा चीज़ जानने के बाद ही तो फाइनली निकल के आएगा कि भैया क्या ये लिमिट को हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट्स क्या आई है वो चीज़ तो अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन इससे पहले क्या अपडेट आई थी ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इस एप्लीकेशन की लिमिट्स को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर आप देखते रहिए। तो ये एप्लीकेशन को हम यहाँ पर सिंपली ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मन में लोगों का सवाल है, भैया इस लिमिट का पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, प्रोसेस बताओ, सब कुछ बताएंगे, थोड़ा सब्र रखो। अब ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं 1500 रुपये के लिमिट, 700 रुपये के यहाँ पर लिमिट्स अवेलेबल है, और यहाँ पर देख सकते हैं बिल इस्तेमाल हो गया है, यानी कि 799 रुपये बिल जनरेट हो चुकी है, जो कि यहाँ पर भैया पेमेंट करना है 20 अप्रैल को जो अभी आ रही है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर दोस्तों पेमेंट एक्स्ट्रा हमें नहीं करना पड़ता है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई इंटरेस्ट चार्जेस नहीं है, कोई सर्विस चार्जेस नहीं लेती है, आपको लगभग 15 से 20 दिनों का समय ये प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भैया आपको यहाँ पर 20 अप्रैल को यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं इस लिमिट का इस्तेमाल कहाँ कर पा रहे हैं। अगर यही चीज़ आपको नहीं पता होगा तो फिर लिमिट को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे ये भी मुश्किल वाली बात है। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी हमें टोटल लिमिट्स मिली थी उस लिमिट्स में से मैं यहाँ पर देख सकते हैं बिल अमाउंट की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं जियो मार्ट के अंदर यानी 6 अप्रैल 2024 को 809 रुपये का लमसम यहाँ पर मैंने शॉपिंग किया था सीधा, और 10 रुपये रिफंड आ गए थे। किसी भी कोई भी प्रोडक्ट जो होगा ऑर्डर नहीं हुआ होगा, जिस कारण से रिफंड हमारे 10 रुपये आ चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी यहाँ पर जो है बिल जनरेट हुए, भाई 1 तारीख से लेकर यहाँ पर जनरेट हुई है, 1 तारीख से लेकर अब तक के बीच की यहाँ पर बिल यहाँ पर बनी हुई है 799 रुपये 85 पैसे के साथ। इसे जो कि अभी हमें पेमेंट्स भी करना होगा, पेमेंट की तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं इस लिमिट को हम और कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब नीचे में आप देख सकते हैं बिल एंड रिचार्ज वाला ऑप्शन देख रहे हैं, आप यहाँ पर प्रीपेड के जरिए से आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर का रिचार्ज करके आप पैसे वैसे आप ले सकते हैं कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ से ऑपरेटर चूज़ करेंगे, BSNL, Jio, MTNL जो भी है चीज़ आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली रिचार्ज करने के लिए जो भी आपका प्लान होगा या फिर किसी कस्टमर का कर रहे हैं तो यहाँ से भी आप प्लान को चूज करके आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं और अगले से पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन जब भी यहाँ पर दोस्तों प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने क्या दिखाई देगा, भाई कन्वेंसिंग फ़ी तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है गूगल पे, फ़ोनपे, भीम और साथ साथ यहाँ पर पेटीएम का सर्विस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों भैया, इसी से पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल पे लेटर के अंदर में जो भी अभी हमारे 700 लिमिट बचे हैं वो लिमिट का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है, अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पर फास्टैग के बारे में, फास्टैग के जरिए से आज से मैंने 1 साल पहले लिमिट का ट्रांसफ़र करके दिखाया था, जो कि वो था पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक का जो भी था यहाँ पर दोस्तों सर्विस था, हालांकि मे भी यहाँ पर बंद कर दिया गया होगा, चलिए हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, पेटीएम यहाँ से हटा दिया गया है। पेटीएम का फास्टैग पहले हुआ करता था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप पेटीएम के तरफ से अगर आप पेटीएम बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो आप पेटीएम
किस तरफ से आपको यहाँ पर फास्टैग कैसे लेना है, आरसी कार्ड कैसे आपको अपलोड करने हैं, उसके भी यहाँ पर मैंने आपको बताया था, पूरा पैसा ट्रांसफ़र करके मैंने दिखाया था। अब यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर में भी जो भी फास्टैग के सर्विस बैंक दे रही है वो सर्विसेस यहाँ पर बंद हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं एयरटेल भी बंद हो गई, ठीक है, टेम्प्रोरी यहाँ पर इनएक्टिव हो गया, और पेटीएम जो है पेटीएम तो यहाँ पर चीज़ें ले ही नहीं रहा है, ठीक है, ये सर्विस है ही नहीं, यानी पेटीएम का भी फास्टैग चला गया यहाँ पे। तो यही एकमात्र दो तरीका था कि हम पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते थे। चलिए अब इस लिमिट का इस्तेमाल कहाँ मैं कर पा रहा हूँ, या तो मैं शॉपिंग कर लूँ, या तो मैं जोमेटो के जरिए से जोमेटो का कोई आइटम ऑर्डर करके खा लूँ, या फिर स्विगी, या फिर और कुछ, ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ पर सर्विस इनेबल है वही जगह पर दोस्तों ये इस लिमिट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों ने दोस्तों वीडियो बनाई है कि भैया तुरंत सिंपल पे के जरिए से लिमिट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस बैंक अकाउंट में, तो कौन से एप्लीकेशन के जरिए से वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ से हम एप्लीकेशन को बैक करते हैं और यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर के अंदर दोबारा आते हैं और हम यहाँ पर टाइप करते हैं स्नैपपे। स्नैपपे को हमने यहाँ पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है और ये एप्लीकेशन काफ़ी सालों से पहले से अवेलेबल भी है। मैंने पिछले टाइम यानी आज से एक साल पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी सिंपल पे एप्लीकेशन का जो भी लिमिट मिलता है उसे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो था फास्टैग के जरिए से, वो मैंने आपको चीज़ें तो बता दी। दूसरा चीज़ यहाँ दोस्तों स्नैपपे के जरिए से लोग काफ़ी बोल रहे हैं कि इस एप्लीकेशन के जरिए से लिमिट ट्रांसफ़र हो जाती है, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से दोस्तों जैसे ओपन करते हैं, ओपन करते कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ से मैं लॉगिन पहले कर लेता हूँ। लॉगिन करते हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है, पहला यहाँ पर, ठीक है, बिल पेमेंट आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं ये वाली सर्विसेज, दूसरा यहाँ पर रेंट पेमेंट, उसके बाद क्रेडिट कार्ड बिल, जीएसटी बिल, फास्टैग पेमेंट, यूटिलिटी बिल, प्रीपेड रिचार्ज, एजुकेशन, काफ़ी चीज़ें सर्विसें आपको यहाँ पर भर भर के मिल जाती है भैया लिमिट को ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन किसका ये भी हम देखेंगे, काफ़ी लोगों ने दोस्तों वीडियो बना रखा है, यूट्यूबर ने जितने सारे वीडियो आप देखेंगे 99% आपको फेक जानकारी दी जाती है, गुमराह किया जाता है। यूटिलिटी बिल पेमेंट के ऊपर बेसिकली लोग जाते हैं और हमने यहाँ पर दोस्तों दो दो बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से यहाँ पर दोस्तों पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए कहा जाता है। और बेसिकली ये जो स्नैपपे एप्लीकेशन है ये प्रॉपर कहाँ काम करने वाली है ये भी अभी जानकारी आपको पूरी वीडियो में दोस्तों मिल जाने वाली है, बस वीडियो में हमारे साथ बने रहें, ठीक है। अब यूटिलिटी बिल पेमेंट के अंदर में आपको ऐड ए न्यू बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, जिस भी बैंक अकाउंट में पैसे आपको ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, निक नेम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर कन्फर्म करिए, अकाउंट नंबर यहाँ पर आईएफएससी कोड डालकर आपको सिंपली सेव कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी बैंक आपके सामने यहाँ पर सेव होगा वो बैंक आपको ऊपर आ जाएगा, इस तरह से आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आप किस चीज़ के लिए आप किस पर्पज़ के लिए आप लिमिट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और रिसीव करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो तरह का यहाँ पर फैसिलिटी मिलता है, जैसे कि देख सकते हैं सेम डे और इंस्टेंट पे। उसके नीचे यहाँ पर क्या है, दो ये अलग अलग सर्विसेज यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर करना क्या, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर में मान के चलिए मिनिमम हम 100 रुपये यहाँ पर विथड्रॉल कर सकते हैं, भले ही हमारे यहाँ पर सिंपल पे एप्लीकेशन के अंदर में जो लिमिट है 700 रुपये बचे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेम डे वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट के जो भी क्वाइन होते हैं, ठीक है, वो क्वाइन को आप यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, ले सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीजा मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, इधर एमएक्स डिनर कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई के जरिए से चीज़ें पेमेंट आप कर सकते हैं और बैंकिंग अकाउंट में ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर मेन मोटिव क्या है भैया, वॉलेट का पैसा ट्रांसफ़र करना है, जो कि सिंपल पे एप्लीकेशन के अंदर में वॉलेट में है, जो भी लिमिट है वो ट्रांसफ़र करना चाहेंगे। मोबीक्विक से हमें मतलब तो है नहीं, वॉलेट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं यहाँ पर दोस्तों नीचे में आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर कन्वर्सिंग चार्ज जो है 2.93 रुपये ले रहे हैं और GST भैया 0.46% लिया जा रहा है। भैया सब ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बस हमारे पैसे ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। प्रोसीड टू पे वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं यहाँ पर पे जी रिडायरेक्ट होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका है जिसके जरिए से ये पेमेंट रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, भैया इन सब से तो हमको मतलब है नहीं, वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि देख सकते हैं फ़ोनपे या फिर फ़ोनपे का वॉलेट का पैसा अगर निकालना चाहते तो वो सही है, जियो पेमेंट यानी जियो मनी का जो है वो वॉलेट का पैसा आप ले सकते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक और मोबीक्विक का वॉलेट का पैसा आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो भैया ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिंपल पे मौजूद ही नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में लोगों को दोस्तों यहाँ पर गुमराह किया जाता है कि भैया यहाँ इंस्टॉल कर लो, ये कर लो, बाद में पता चलता है कि वहाँ पर सिंपल पे का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या फिर और भी कोई सर्विसेस ऐसे हैं जो
इनके जरिए से आप बैंक अकाउंट में पर्सनली पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव दोस्तों कर सकते हैं। लेकिन अभी कंडीशन में देख सकते हैं सिंपल क्लिक एप्लीकेशन ये बिल्कुल भी नहीं है। मोबीक्विक का अगर पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो भी आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है उसका पैसा अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। और बेसिकली दोस्तों इसी के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी मोबीक्विक एप्लीकेशन के बारे में कि भैया मोबीक्विक का जो वॉलेट का पैसा है उसे मैं कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ मैंने दिखाया, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो भैया यहाँ से भी मामला खत्म हो चुका, चलिए इसे हम पैक कर लेते हैं। चलिए हाँ श्योर, हम इस पेमेंट को हम कैंसिल करते हैं और दोबारा हम जाते हैं बैक और दोबारा से हम दोस्तों सेम ऑप्शन चूज करेंगे। नीचे में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा T1, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ वॉलेट टू वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। चलिए प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों निकल के आती है। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन नीचे में दिखाई दे रहा है और ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है भैया वॉलेट। अब वॉलेट के अंदर में क्या है, फ्री रिचार्ज पे लेटर का पैसा या फिर फ्री रिचार्ज वॉलेट का पैसा या फिर UPI का पैसा या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक वॉलेट का पैसा, जियो मनी का पैसा, मोबीक्विक वॉलेट का पैसा या फिर ओला मनी पोस्टपेड वॉलेट का पैसा या फिर यस बैंक का वॉलेट का पैसा, आप इतना ही चीज़ों में ही आपको ट्रांसफ़र करने की सर्विसेस आपको मिलती है। सिंपल पे एप्लीकेशन का लिमिट कभी दिखा ही नहीं दिया लोगों ने यहाँ पर दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो बना दिया और फेक वीडियो बनाया और गुमराह किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद तो आई होगी, लेकिन ये सभी के अभी सिंपल पे लिमिट अभी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे किसी भी हाल में। किसी तरह का कोई अपडेट आता है इसके ऊपर दोस्तों अलग से वीडियो बना दी जाएगी और वीडियो तो लॉन्ग हो चुकी है लेकिन संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने दे दिया है। अभी कोई सर्विस वैसा नहीं है जो आप सिंपल पे लिमिट का पैसा जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएँ, कोई सेवा नहीं है। आप गोल्ड लोन ले लें या फिर और चीज़ें कुछ कर लें, रेंट पेमेंट करके नाम पर ले लें या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट के नाम पर ले लें, आप उस सिंपल पे लेटर का लिमिट नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे, बस इतना आप समझ लीजिए। कोई भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 100% आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, बस इतना समझ लीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार दोस्तों मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।